सीटी मार के बाद कल रिलीज होगा राधे का दूसरा सॉन्ग दिल दे दिया, जिसे कंपोज किया है जाने माने सिंगर एंड म्यूजिक डायरेक्टर हिमेश रेशमिया ने। सलमान खान की फिल्म हो और उसमें हिमेश का कोई गाना ना हो, ऐसा बहुत कम हुआ है। दरअसल सलमान खान और हिमेश का रिश्ता सालों पुराना है और अब ये कहना गलत नहीं होगा कि जहां सलमान ने हिमेश को बड़ा ब्रेक दिलवाया था, उसके बाद अब हिमेश सलमान के संकट मोचक बन चुके हैं। मतलब हिमेश के कंपोज किए हुए सॉन्ग सलमान की फिल्म की वैल्यू और बढ़ा देते हैं। और रही बात सलमान और हिमेश की जोड़ी की, तो इनका कोलैबोरेशन हमेशा हिट रहा है। और बात करें हिमेश की, तो एक दौर ऐसा भी था जब हिमेश रेशमिया के गानों के बिना फिल्म अधूरी सी मानी जाती थी। तकरीबन हर फिल्म में हिमेश का गाना डाला जाता था और ये मान लिया जाता था कि उनके गाने से ही फिल्म का प्रमोशन हो गया। हालांकि अब हिमेश के साथ कई बड़े कॉम्पिटिटर्स भी खड़े हो गए हैं, जिसके चलते उनके गाने अब फिल्मों में कम ही सुनने को मिलते हैं। आपको बता दें कि सलमान ने हिमेश को पहला ब्रेक दिया था 1998 में, जब उनकी फिल्म प्यार किया तो डरना क्या रिलीज हुई थी। इस फिल्म में हिमेश ने दो सॉन्ग्स कंपोज किए थे, एक तो फिल्म का टाइटल ट्रैक था और दूसरा सॉन्ग था तुम पर हम हैं अटके यारा। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि ये दोनों ही सॉन्ग सुपरहिट हुए थे। इसके बाद सलमान ने ऑलमोस्ट अपनी हर फिल्म में हिमेश से एक आध गाना तो कंपोज करवाया या पूरे के पूरे सॉन्ग्स हिमेश ने ही कंपोज किए, जिसमें बंधन, हेलो ब्रदर, दुल्हन हम ले जाएंगे, तेरे नाम, मैंने प्यार क्यों किया, प्रेम रतन धन पायो, किक और बॉडीगार्ड जैसी फिल्में शामिल हैं। और अब साल 2021 में रिलीज हो रही राधे में भी हिमेश का एक सॉन्ग है दिल दे दिया, जो कल रिलीज होने वाला है। इस बात में कोई शक नहीं कि सलमान और हिमेश दोनों ने ही एक दूसरे के करियर को बनाने में कहीं ना कहीं मदद की है। और सलमान ये बखूबी जानते हैं कि हिमेश कितने टैलेंटेड और अमेजिंग म्यूजिक डायरेक्टर हैं। तभी तो सालों से सलमान हिमेश के साथ हैं और ये जोड़ी यूं ही बरकरार रहे। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।